हेलो स्टूडेंट्स डिजिटल मैथ्स आप लोग के सामने लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 6.3 लेके आया है दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर क्लास नाइन चैप्टर नंबर सिक्स और डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए एक्सरसाइज 6.1 के हर एक सम सॉल्व कर चुका है सी अगर आप लोग को कहीं पे भी डाउट है आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो यू कैन गो इन इंट्रोडक्शन पार्ट स्पेशली बिकॉज इंट्रोडक्शन पार्ट हर एक चीज को कवर करता है हर एक चैप्टर के हर एक पॉइंट को कवर करता है क्लियर सो दिस इज एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री और प्लीज़ रिक्वेस्ट ये सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब आपको नहीं आ जाता है यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन बिकॉज मैथ्स इज फॉर प्रैक्टिसिंग आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा आप यहां पे देखो नो डाउट लर्न द कंसेप्ट किस तरह से होता है सोल्यूशन वो देखो देन यू ऑन ट्राई योर ओन टू सॉल्व दिस सम क्लियर और नहीं आता फिर आके चेक करो तो ही आपको समझ में आएगा सिर्फ देखने से समझ में नहीं आता है आई रिक्वेस्ट कोई भी चैप्टर हो मैथ्स का सी आपको देखना है सीखना है खुद सॉल्व करना है फिर वापस देखो फिर सीखो फिर खुद सॉल्व करो तो ही पॉसिबल है सो मेक श्योर ओके सो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर वन की तरफ बढ़ते हैं इन फिगर तो फिगर देख लेते हैं हम लोग क्यू पी एंड आर क्यू क्यू पी एंड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली ओके दिख रहा है एस पी आर इक्वल टू वन थर्टी फाइव डिग्री एंड पी क्यू टू वन हंड्रेड टेन डिग्री फाइंड पी आर क्यू आपको ये एंगल फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो ये दोनों एंगल्स को देखोगे तो यहाँ पे लीनियर पैर यहाँ पे भी लीनियर पैर तो आपको ट्राइंगल ये पी क्यू आर जो ट्राइंगल है उसका दोनों एंगल्स मिल जाएंगे तो थर्ड एंगल इजी हो जाएगा कैसे देखते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल वन वन जीरो इक्व टू वन एटी डिग्री सिंस लीनियर पैर आप एंगल का नेम दे सकते हो बट मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट समझा रहा हूँ क्लियर बाकी एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू टी इक्व टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री बिकॉज लीनियर पैर्स पी क्यू टी वन हंड्रेड टेन दिया हुआ है सो एंगल पी क्यू आर प्लस वन हंड्रेड टेन डिग्री डिग्री सिंपल है कोई ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं बट आपको समझना है क्लियर सो एंगल पी क्यू आर इक्व टू सेवनटी डिग्री इक्वेशन नंबर वन समझ में आया वन हंड्रेड टेन था यहाँ पे प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस तो वन हंड्रेड एटी माइनस वन हंड्रेड टेन दट इज सेवेंटी डिग्री हो गया फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया अब यहां पे एंगल क्यू पी आर क्यू पी आर मींस ट्राएंगल का ये वाला जो एंगल है दैट इज प्लस थर्टी फाइव वन थर्टी फाइव दैट इज एस पी आर एंगल ठीक 135 वन थर्टी फाइव डिग्री टू वन एटी डिग्री सिंस लीनियर पेर वहाँ पे भी लीनियर पेयर सो एंगल क्यू पी आर इक्व टू वन एटी माइनस वन थर्टी फाइव दैट इज फोर्टी फाइव डिग्री इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन वन हो गया इक्वेशन टू हो गया एक ट्रा के दो इक्वेशन मिल गए हैं इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्व टू वन एटी डिग्री क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का एडिशन वन एटी डिग्री होता है आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखा होगा और नॉर्मली सब सबको पता है क्लियर आप तो नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको तो पता ही होगा ऑब्वियस सी बात है सो फ्रॉम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों वैल्यूज ले लो दैट इज पी क्यू आर इक्वल टू सेवेंटी क्यू पी आर इक्वस टू फोर्टी फाइव डिग्री सो पी आर क्यू इक्व टू वन हंड्रेड एटी सो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू वन एटी माइनस सेवेंटी दैट इज़ वन हंड्रेड टेन माइनस फोर्टी फाइव दैट इज सिक्सटी फाइव डिग्री क्लियर सो वन हंड्रेड एटी माइनस वन वन फाइव दैट इज़ सिक्सटी फाइव डिग्री यानी हमारा एंगल पी क्यू आर जो हमको फाइंड करना था वो मिल गया है दैट इज़ सिक्सटी फाइव डिग्री क्लियर है समझ में आया कोई डाउट है इस चीज़ में होनी भी नहीं चाहिए क्लियर होगी भी नहीं और होनी भी ही नहीं चाहिए और एक चीज़ याद रखना है खुद को प्रैक्टिस करनी है खुद को सॉल्व करना है नहीं समझ में आए तो फिर देखो यहाँ पे वापिस दोबारा बट एक बार समझो फिर खुद को आ ही जाना चाहिए और नहीं आता है दोबारा देखो दोबारा सॉल्व करो जब तक खुद को ना आए तब तक, तक सॉल्व करो इसके भरोसे मत चलो कि हाँ देखा और आ गया सॉल्व करो और समझो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू इन फिगर एंगल एक्स इक्वल्स टू सिक्सटी टू डिग्री एंगल एक्स वाई जेड पूरा दैट इज फिफ्टी फोर डिग्री इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स एक्स जेड वाई मतलब ये जो वाई ओ दिख रहा है वो एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है बाई सेक्टर मतलब ये फिफ्टी फोर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट कौन से होंगे ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी सेवन ठीक है और जेड ओ जेडो भी एंगल एक्स जेड वाई को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है दैट इज जो भी एंगल होगा उसको टू इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर रहा है हाफ सो फाइंड ओ जेड वाई ओ जेड वाई फाइन करना है और वाई ओ जेड फाइन करना है वाई ओ जेड फाइन करना है ठीक है तो सबसे पहले भाई ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड सॉल्यूशन देखो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई टू वन एटी डिग्री एक्स वाई जेड दिया हुआ है फिफ्टी फोर वाई एक्स जेड दैट इज सिक्सटी टू और एक्स जेड वाई हमको फाइन करना है सो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू वन एटी माइनस फिफ्टी फोर माइनस सिक्सटी टू यानी सिक्सटी फोर डिग्री हमारा आंसर आता है क्लियर अब देखो एक्स जेड वाई सिक्सटी फोर आया है और हमें पता है कि ओ जेड इट इज गिवन जेड ओ इज द बाइसेक्टर तो ये ओ जेड बाई सेक्टर है तो एंगल ओ जेड वाई ना ओ वाई एंड ओ जेड आर बाई सेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई सो एंगल ओ वाई जेड ओ वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड अपॉन टू दैट इज ट्वेंटी सेवन डिग्री क्योंकि एक्स वाई जेड कितना है फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर डिवाइड बाई टू कितना होता है ट्वेंटी सेवन डिग्री एंड एंगल ओ जेड वाई ये देखो ये जो हमको फाइंड करना है ओ जेड वाई दैट इज एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू एक्स जेड वाई अपॉन टू एक्स जेड वाई अपॉन टू मतलब एक्स जेड वाई की वैल्यू हमको मिली है सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर अपॉन टू मीन्स थर्टी टू डिग्री सिक्सटी फोर अपॉइंट टू कितना होता है थर्टी टू डिग्री समझ में आ रहा है क्लियर है अब आपको देखो ओ वाई जेड मिल गया ओ जेड वाई मिल गया इस ट्राइंगल में तो इन ट्राइंगल ओ वाई जेड ओ वाई जेड एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई जेड ओ जेड वाई को डिग्री क्लियर ये ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का एडिशन वन एटी डिग्री होगा ओ वाई जेड हमारा ट्वेंटी सेवन वाई ओ जेड हमको ढूंढना है 32, और is, और एज इट सो एंगल यानी कितना होता है है समझ में आ रहा है? एक एक स्टेप स्टेप बाय जाओ खुद भी लिखते जाओ साथ साथ में तो आपको समझ में आएगा कि क्या किया अरे नहीं इसके बाद ये किया तो पॉज करो जहाँ नहीं समझ में पॉज करो रिवाइंड करो वापस देखो बहुत अच्छा लगेगा बहुत समझ में आएगा फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट में आप हम लोग हैं ही अवेलेबल कमेंट करो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इन फिगर फिगर भाई फिगर बोला है इन फिगर तो फिगर ए इज पैर टू डी ए बी जो है डी ई e से पैरल है बी ए सी बी ए सी टू थर्टी फाइव डिग्री सी डी ईक्स टू फिफ्टी थ्री डिग्री फाइन डी सी सी डी सी फाइन करना है देखो अगर ए इज पैनल टू डी ई तो आपको एक जेड दिख रहा है ये रहा जेड है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा तो ये अगर थर्टी फाइव है तो ये वाला भी कितना होगा थर्टी फाइव अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स सो हियर सी ई डी टू एंगल बी ए सी सिंस इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स तो सीई डी इक्व टू थर्टी फाइव क्या हो गया थर्टी फाइव डिग्री मिल गया अब क्या करना है अब तो सिंपल डायरेक्ट ट्राइंगल लो ट्राइंगल सी डी ई इन एंगल सी डी ई एंगल सी डी ई ये प्लस एंगल CED डी ये दूसरा एंगल प्लस एंगल डी सी ईक्स टू वन एटी डिग्री अब सी डी ई की वैल्यू क्या है सी डी ई की वैल्यू दी हुई है फिफ्टी थ्री डिग्री और सी डी की वैल्यू हमने फाइंड की है थर्टी फाइव सो फिफ्टी थ्री प्लस थर्टी फाइव इक्वल टू प्लस डी सी टू वन एटी डिग्री सो एंगल डी सी इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस फिफ्टी थ्री माइनस थर्टी फाइव मीन्स नाइन्टी डिग्री देखो कैलकुलेशन ख़ुद को करना है मैं तो सिर्फ ये दोनों टर्म को इस तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस में आएगा तो वन एटी माइनस फिफ्टी थ्री माइनस थर्टी फाइव अब कैलकुलेशन नाइन्टी टू आ रहा है नहीं आ रहा है चेक आपको करना है भाई सर कई गलत भी हो सकते हैं तो वो आंसर गलत है तो आपको फाइंड करना है क्लियर दैट इज़ हाउ सो डी सी की वैल्यू मिली हमको नाइन्टी टू अब क्या करना है भाई करना क्या आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर फोर पे जाओ अरे जाओ सो क्वेश्चन नंबर फोर इज इन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्टेड पॉइंट टी देख लो फिगर ओहो ये पी क्यू और आर एस पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट सच दैट पी आर टी पी आर टी इक्वल्स टू फोर्टी डिग्री ये हो गया पी आर टी फोर्टी डिग्री आर पी टू नाइनटी फाइव डिग्री टी एस क्यू टी एस क्यू इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव डिग्री फाइंड एस क्यू टी ये वाला एंगल फाइंड करना है भाई मेरे हिसाब से तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कैसे फाइंड करना है पर नहीं आया है तो थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करेंगे कैसे करेंगे भाई ये ट्राइंगल है ट्राइंगल में दो एंगल दिया हुआ है तो तीसरा एंगल मिल जाएगा क्योंकि इन ट्राइंगल ऑल द एंगल्स एडिशन इज 180 एटी डिग्री तो 180 एटी में से सिर्फ 95 और 40 को माइनस करो तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा क्लियर है चलो मिल जाएगा अब ये एंगल मिला तो उसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये वाला होता है तो ये वाला मिल जाएगा अब फिर इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल है हमारे पास तो तीसरा मिल जाएगा भाई समझ नहीं आया तो देखो वन बाय वन स्टेप बाई स्टेप देखो कैसे होता है नहीं तो बोलोगे सर आप ऐसे हवा में बातें क्यों कर रहे हो तो देख लो हियर इन ट्राइंगल पी आर टी पी आर टी एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इक्व टू वन एटी डिग्री अब पी आर टी कितना है फोर्टी डिग्री दिया हुआ है आर पी टी कितना है नाइन्टी फाइव दिया हुआ है सो फोर्टी प्लस नाइन्टी फाइव प्लस पी टी आर इक्व टू वन एटी डिग्री सो एंगल पी टी आर इक्व टू वन एटी माइनस नाइन्टी फाइव यानी हो जाता है एटी फाइव एटी फाइव में से फोटी गया मीनस फोर्टी फाइव डिग्री कैलकुलेशन आपको करनी है अरे सर समझ गए यू मत बोलना पर करनी आपको बिकॉज एग्जाम में कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं मिलने वाली आपको ही करनी पड़ेगी भैया ओके सो प्लीज द कैलकुलेशन अब एंगल नाउ एंगल एस टी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी टी आर ऑब्वियसली बात वर्टिकल ऑपोजिट एंगल एज आई सेड मैंने आप लोग को बताया था कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के हिसाब से तो एंगल एस टी क्यू कितना हो गया फोर्टी फाइव डिग्री नाउ इन ट्राइंगल एस टी क्यू एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इक्व टू वन एटी डिग्री अब एस टी क्यू कितना है फोर्टी फाइव टी एस क्यू कितना है सेवेंटी फाइव दिया हुआ है हा? भाई दिया हुआ एस टी क्यू ढूंढा और टी एस क्यू दिया हुआ है सो फोर्टी फाइव प्लस सेवनटी फाइव प्लस एस टी क्यू एंगल एस क्यू टी इक्व टू वन एटी डिग्री अब ये दोनों को इस तरफ लेके आ जाओ सो एंगल एस क्यू टी इक्व टू वन एटी डिग्री माइनस सेवनटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव यानी सिक्सटी डिग्री कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी किया है तभी सिक्सटी डिग्री आया ना आपको कैलकुलेशन करना है ताकि आप अपने आप को श्योर sure हो जाओ क्या ये आंसर करेक्ट है सो दिस वाज़ द क्वेश्चन नंबर फोर फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके नीचे वाले स्ट्रिप है ही है कमेंट करो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इन फिगर भाई फिगर देख लो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस

आर ये देखो पी क्यू पैरल है तो ये पैरल है तो दिस एंगल इज़ इक्वल्स टू तो दिस वन यानी एक्स प्लस ट्वेंटी एट हो जाता है सिक्सटी फाइव तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्सटी फाइव माइनस ट्वेंटी एट कितना होता है भाई बताओ अरे बताओ चलो नहीं बता तो मैं बता देता हूँ थर्टी सेवन डिग्री क्लियर सो बस स्टेप बाय स्टेप अगर ये थर्टी सेवन मिल चुका है एक्स की वैल्यू थर्टी सेवन मिल गई ये नाइन्टी डिग्री दिया हुआ है तो भाई तो मिल जाएगा इन अ ट्राइंगल एडिशन ऑफ ऑल द एंगल इज़ इक्वल्स वन एटी डिग्री तो समझना है देखो समझदार को इशारा काफी है बाकी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं सॉल्यूशन सिंस पी क्यू पैरल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर टी पी क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर टी सिंस इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स सो एक्स प्लस ट्वेंटी एट क्योंकि पी क्यू आर क्या है एक्स प्लस ट्वेंटी एट टू सिक्सटी फाइव डिग्री सो एक्स इक्वल्स टू थर्टी सेवन डिग्री भाई एक्स मिल गया है नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस इन ट्राइंगल पी क्यू एस ये ट्राइंगल जो है उसके अंदर नाइन्टी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन एटी डिग्री एक्स प्लस क्यू पी एस प्लस वाई इक्वल्स टू वन एटी डिग्री क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का एडिशन वन एटी डिग्री होता है एक्स की वैल्यू थर्टी सेवन क्यू पी एस की वैल्यू नाइन्टी एंड वाई एज इट इज़ वन एटी डिग्री सो वाई इक्वल्स टू वन एटी माइनस नाइन्टी यानी नाइन्टी नाइन्टी माइनस थर्टी सेवन यानी फिफ्टी थ्री डिग्री सो एक्स की वैल्यू मिल गई थर्टी सेवन वाई की वैल्यू मिल गई फिफ्टी थ्री डिग्री हैंस क्वेश्चन नंबर फाइव जो था उसका सॉल्यूशन हो चुका है देखते देखते सोचते सोचते खेलते खेलते समझ में आ गया नहीं आया एक बार वापस खुद ट्राई करो फिर रिमाइंड करो फिर देखो फिर सॉल्व करो भाई आएगा कहीं नहीं जाएगा चिंता ना करो आएगा ज़रूर चिंता बिल्कुल मत करो आएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स थोड़ा सा टेढ़ा सा मेढा सा है पर हम लोग इजी बना देंगे चिंता ना करो पर टेढ़े मेढ़े को इजी बनाना है हमको याद रखो फिगर देख लो इन फिगर साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस यहां पर ओके इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर पी क्यू आर का बाइसेक्टर और एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर दोनों मीट करते हैं टी पे दे मीट एट पॉइंट टी एंगल क्यू टी आर एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल कैसे देखो सोचो समझो क्या प्रूव करना है पहले वो देख लो तो पता चले एंगल जो है एंगल क्यू टी आर मीन ये वाला एंगल इसका हाफ है एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर ये चीज आपको ध्यान रखनी है पहले ये जो लिखा हुआ है उसको मैंने सिर्फ बड़ा सा लिखा है समझो अब क्या पहले तो ये बाई दिया हुआ है तो एंगल क्यू टी एंगल पी क्यू टी की एंगल टी क्यू आर फिर एंगल पी आर टी को एंगल टी आर एस बाई है इसीलिए बोल रहा हूँ बाकी और कुछ नहीं बाई है इसीलिए चलो देखते हैं कंसिडर्ड द ट्राइंगल पी क्यू आर पहले हम लोग ट्राइंगल पी क्यू आर को ले रहे हैं पी PRS एस इज एन एक्सटीरियर एंगल एंड QPR क्यूपीआर एंड PQR क्यू आर पी क्यू आर मीन्स क्यू पी और पी आर द इंटीरियर एंगल्स ठीक है हम लोग अभी कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं ट्राइंगल PQR जिसका ये वाला एंगल PRS ये वाला जो है एक्सटीरियर एंगल है तो ये एंगल हमेशा इन दोनों एंगल का एडिशन होगा सो so, एंगल पी आर एस इक्व टू एंगल क्यूपीआर ये वाला प्लस एंगल पी क्यू आर अकॉर्डिंग टू द दाइंगल प्रॉपर्टी कि भाई एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ समिट टू एंगल्स तो हमने ऐड कर दिया नाउ पी आर एस इक्वल माइनस पी क्यू आर अब क्या किया मैंने पी क्यू आर ये जो प्लस था उसको उस तरफ ले लेस माइनस पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यूपीआर इक्वेशन नंबर वन डाल दिया हमने पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर इक्व टू एंगल क्यूपीआर इक्वेशन नंबर वन ये समझना सिर्फ इक्वेशन वन क्यों लिया है वो बाद में हम लोग देखते हैं क्योंकि आगे सॉल्यूशन हमको जो लाना है उसको ध्यान में रखना है देखो क्यू पी आर का हाफ आना चाहिए तो क्यू पी आर को मैंने सब्जेक्ट बनाया है ठीक है वो कैसे फिर देख सोचते हैं नाउ इन ट्राइंगल अब क्या करना है कंसिडर ट्राइंगल क्यू आर टी तो अब इसमें यहाँ पे ये एक्सटीरियर हो गया एंगल टी आर एस इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर ठीके? देखो क्यू टी आर चाहिए था क्यू टी आर आ गया क्यूपीआर चाहिए था क्यूपीआर आ गया हो गया सो एंगल क्यू टी आर इक्वल टू टी आर एस माइनस टी क्यू आर इक्वेशन नंबर टू नो क्यू टी एंडसेक्टर क्यू टी और आर टी बाई सेक्टर है ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड हर एक चीज को ध्यान से देखना समझना कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो क्लियर ये इक्वेशन वन हमको मिला ट्राइंगल पी क्यू आर से ठीक है वो हमने लिख दिया फिर इसके बाद हमने ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया उसका एक्सटीरियर एंगल था टी आर एस वहां से हमको यहां तक मिला है अब देखो टी आर एस माइनस टी क्यू आर तक पहुंचे हैं हम लोग टी आर एस माइनस टी क्यू आर टी आर एस किसका हाफ है टी आर एस किसका हाफ है टी आर एस जो है पी आर एस का हाफ है क्यों क्योंकि ये बाइसेक्टर है RT. अभी दिखा ना आर टी बाइसेक्टर ऑफ पी आर एस आर टी पी आर एस का बायसेक्टर है तो टी आर एस इज हाफ ऑफ पी आर एस और आर टी जो है, ये क्यू टी क्यू टी इज बाई सेक्टर ऑफ पी क्यू आर सो क्यू टीज बायसेक्टर ऑफ पी क्यू आर सो उस टी क्यू आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ पी क्यू आर तो देखो हाफ पी आर एस इक्वल्स टू टू टी आर एस एंड पी क्यू आर इक्वल्स टू टू टी क्यू आर आ रहा है देखो ये जो टी आर एस था टी आर एस इक्व टू हाफ ऑफ पी आर एस होता है तो मैंने हाफ ऑफ पी आर एस लिखा और टीक्यू आर जो है हाफ ऑफ पी क्यू आर होता है तो हाफ ऑफ पी क्यू आर लिखा ठीक है यहाँ तक हो गया नाउ टी क्यू आर इक्व टू हाफ ऑफ एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर ठीक है टी क्यू आर मीन्स एंगल क्यू टी आर इक्व टू हाफ ऑफ पी आर एस माइनस हाफ ऑफ मीन्स हाफ ऑफ पी आर एस हाफ कॉमन निकाल दिया है तो पी आर एस माइनस पी क्यू आर अब पी आर एस माइनस पी क्यू आर क्या है भाई पी आर एस माइनस पी क्यू आर होता है क्यू पी आर सो फ्रॉम वन वी नो दैट पी आर एस माइनस पी क्यू आर इक्व टू क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर सो एंगल क्यू टी आर इक्व टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर हैं प्रूव देखो ये चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा बट ध्यान से एक एक स्टेप बाय स्टेप देखना बिना स्टेप बाय स्टेप देखे खुद देखो फिर सॉल्व करो देखो खुद सॉल्व करो तो आपको इजीली आ जाएगा क्लियर ये चीज़ समझना तो ही पॉसिबिलिटीज है वरना आप खुद कन्फ्यूजन में रहोगे सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एक्सरसाइज यानी लास्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच लेट अदर्स ऑल्सो लर्न और आप दूसरों को भी शेयर करें तो मैं यही सोचता हूँ कि आप दूसरों को भी मौका देंगे लर्न करने के लिए सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच